हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बस 2 मिनट में घर में ही मटका कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं, मलाई कुल्फ़ी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मलाई कुल्फ़ी, तो बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली है, बिना गैस जलाए। ना हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना हम मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे, तो बहुत ही झटपट से तैयार होएगी और बिल्कुल ईजीली आपके पास जो घर में अवेलेबल आइटम्स हैं उनके साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक बोल घर से जो मलाई हम निकालते हैं दूध में से, ये वो मलाई है। ये 3 दिनों की मेरी मलाई है, जिसे मैंने सेपरेट एक बोल में इकट्ठा किया था। तो कोशिश करें ज़्यादा पुरानी मलाई ना हो, थोड़ी फ्रेश मलाई, मतलब 2 से 3 दिन ज़्यादा उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेश मलाई हम ले लेंगे। ये मैंने एक बोल ली है, तो इसे हम, ये देखें इस तरह से, ये रूम टेम्परेचर पर है, ये बिल्कुल ठंडी मलाई नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर रखी हुई मलाई है। तो इस तरह से हम इसे एक बोल में डाल लेंगे। यहाँ पर बोल की जगह मैं एक ग्लास का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा बीट करना है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बोल में भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बोल ले लें ताकि आप इसे हल्का सा बीट कर सकें। तो ये देखिए, ये मैंने मलाई ले ली। इसके बाद मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है मेरे पास हाफ कप दूध। जिस बोल से आपने मलाई ली है उसका हाफ क्वांटिटी आपको दूध की चाहिए। ये बॉयल दूध है, मगर है रूम टेम्परेचर पर। इसमें से मैंने मलाई पहले से ही उतार रखी थी, तो ये सिंपल दूध है, पर बिल्कुल ना गर्म है ना ही ये ठंडा है। तो ये आधा कप दूध भी मैं इस मलाई में ऐड कर रही हूँ। अब हमें एक सिंपल विस्कर जो होता है हमारा, ये लेना है। और ये देखिए, बिल्कुल धीमे हाथों से, बिल्कुल इसको तेज तेज नहीं फेंकना, बहुत ही धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको विस्क करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथ मैंने इसे फेंट लिया है। और अब मैं एक बोल में इसे ट्रांसफर करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल इसमें अब लम्स नहीं है, और ये बिल्कुल जैसे क्रीम बाजार की होती है ना, अमूल क्रीम, बिल्कुल। ये देखिए कितना गाढ़ा, बहुत अच्छा इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसी कंसिस्टेंसी तक आपको ये फेंटना है, और आप देखिए इसमें बिल्कुल भी घी नहीं निकला है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे इलायची पाउडर, पिसा हुआ इलायची पाउडर है ये, और इसको भी हम हल्के हाथों से इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से इसमें हमारी जो शुगर पाउडर था वो डिसॉल्व हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल एक तरह से तैयार है विद इन 5 मिनट्स। देखिए, 5 मिनट्स भी नहीं लगे इसमें। मुझे आपको बताना था, इसलिए बहुत धीरे धीरे प्रोसेस किया। आप बनाएंगे तो विद इन 2 मिनट्स आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये काजू और बादाम बिल्कुल बारीक काट रखे हैं। ये हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं, थोड़े से मैंने रख लिए हैं डेकोरेट करने के लिए। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और अब हम इसे जमाने की तैयारी करते हैं कि हम इसे जमाएंगे कैसे। फ्रेंड्स, जमाने के भी कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपके पास रेडीमेड जो कुल्फ़ी मोल्ड्स होते हैं तो आप डायरेक्टली उसमें जमा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसीलिए आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये डिस्पोजेबल कप है, और आप इजीली इसमें अपने कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी जो मटका कुल्फ़ी होती है, बिल्कुल वैसी तैयार होगी। और ये देखिए, इस तरह के अगर आपके पास शॉर्ट्स हों, जो ग्लासेस होते हैं छोटे कांच के, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, जो मैंने थोड़े से नट्स बचा लिए थे, ये मैं इस तरह से बॉटम में डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने ये थोड़ा थोड़ा सबके बॉटम में डाल दिया है। जब हम कुल्फी अनमोल्ड करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये देखिए, इस तरह से हम अपना जो कप है उसे फिल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने सारे मोल्ड्स भर लें। और अब हम इसे फ्रीज कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये
सिल्वर फॉइल जो शीट आती है रैपिंग पेपर, ये हमने ले लिया है और इसे इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है और इसे हम ग्लास पे रखेंगे और सिंपली इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए टाइट हो गया और अब इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी तो बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो इस तरह से पैक करना बहुत ज़रूरी है और इसे भी हम इस तरह से पैक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से हो जाता है, कुछ रबर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए इस तरह से, और बाज़ार में जैसे उसमें स्टिक लगी होती है अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो ये देखिए जैसे छोटू ग्लास है हमारे पास तो हम इस तरह से ये छोटू सी इसमें स्टिक डाल देते हैं। ये देखिए तो ये हमारी आइस जो आइसक्रीम नहीं बल्कि कुल्फ़ी ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने सारे मोल्ड्स ये देखिए तैयार कर लिए हैं और अब हम इसे 6 से 8 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे और चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी रख दें तब भी ये बहुत अच्छे से जम जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ओवरनाइट इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था और ये पूरी तरह से अब फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं। तो मैं इसे चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हुआ है और अब मैं इसे निकालने का तरीका दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ये एक बोल में पानी लिया है और इसे हम इस तरह से कुछ सेकेंड के लिए रखेंगे। ये आप प्रोसीजर किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, चाहे आपका आपने ग्लास में डाला हो जमाया हो या किसी मोल्ड में जमाया हो, क्योंकि ये तो डिस्पोजेबल है, हम चाहें तो इसे काट के भी निकाल सकते हैं, पर जो ये तरीका है ये आप किसी भी मोल्ड के साथ कर सकते हैं। तो इसे इस तरह करने के बाद हाथों के बीच में कुछ देर इस तरह से करें और ये देखिए ये लूज़ हो गया अपने आप और अब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हुई है और आप इसका टेक्सचर देखिए पास से। आप देखिए कितनी एकदम दानेदार बहुत ही बढ़िया हमारी कुल्फी तैयार हुई है। तो आइए एक हम जो हमने एक ग्लास में जमाई थी हम इसे निकालते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये निकले आराम से नहीं निकलेगी। तो हम इसे थोड़ी देर इस तरह से ग्लास में रखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ढीला हो चुका है तो अब हम इसे धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से ये हमने जो छोटे मोल्ड में हमने स्टिक लगा के बनाया था तो ये भी इस तरह से तैयार है। तो इसी तरह से हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रहे हैं और जैसे मटका कुल्फी हम सर्व करते हैं आप चाहें तो इस तरह से इसे चाकू से बीच में से कट भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजीली, ये देखिए कितना स्मूथ है, ये पूरी आराम से कट गई। मैं इसलिए दिखा रही हूँ काट के आपको दिखाने के लिए कि इसमें देखिए बीच में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मटका कुल्फी हमने घर में कितने कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही आसानी के साथ तैयार की है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।